Hello everyone, welcome to Economics by Vishwan Arpita. So in this lecture series of International Economics, today we'll be studying trade of goods ya IS curve. Hum open economy mein dekhenge. Hum logon ne pehle macroeconomics mein IS curve ka derivation, slope, shift sab padh chuke hain. But isme hum wahi equations use karenge jisme hume pata hai income hamesha spending ke barabar hoti hai. To income ko hum kaise depict karte hain? Y se spending जो कि domestic goods के ऊपर है, so that would be CD plus ID plus GD plus हमारे exports. So इस case में अब क्या होगा, हमें domestic की consumption है, domestic की investment और domestic government की expenditure जो है उसे हम depict करते हैं, और हमें पता है consumption basically क्या होती है, consumption जो कि domestically हुई है plus consumption जो कि foreign में हुई है. ऐसे इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टमेंट जो कि डोमेस्टिकली हुई है और इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन में हुई है, इट इज टोटल ऑफ बोथ दीज थिंग्स. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड आल्सो इंक्लूड बोथ द कंपोनेंट्स. सो हम डी को सी डी को कैसे रिप्लेस करते हैं, सी माइनस सी एफ. सो वील राइट द सेम थिंग, सी माइनस सी एफ प्लस आई माइनस आई एफ प्लस G माइनस जी एफ प्लस हमारा एक्सपोर्ट्स. सो हमें पता है फॉरेन की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और ये सब को हम क्या नेम दे सकते हैं, इम्पोर्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन जो कि फॉरेन में हुई, जो कि इन्वेस्टमेंट फॉरेन में हुई. सो ये सारी जो मतलब कंजम्पशन फॉरेन की इंडिया में जो हो रही है दैट इज़ इम्पोर्ट, और किसी फॉरनर ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्ट की टर्म्स में आ जाता है. तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स कर दियो, और इन सारी टर्म्स को व्हाट विल नेम एज इम्पोर्ट्स. सो इन ये सारे क्या हैं, सारे ऑटोनोमस पैरामीटर्स हैं. सो वी कैन से दैट नॉट एक्स, आई वोंट से एक्स इज़ एन ऑटोनोमस पैरामीटर, दिस इज ये सारे जो हैं ये ऑटोनोमस हो गए. तो हम वाई को कैसे लिख सकते हैं, ए ऑटोनोमस कॉम्पोनेंट्स प्लस एन एक्स नेट एक्सपोर्ट्स. सो ये जो हमारी इनकम है, इनकम को हम इसे हम ये, और ये क्या है जो ऑटोनोमस कॉम्पोनेंट, दैट इज स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, जो स्पेंडिंग डोमेस्टिक रेजिडेंट्स करें इट इज दैट. सो एक्स माइनस एम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको हम इधर रख लें, दिस इज वाई, तो क्या रह जाएगा, वाई माइनस सी माइनस I minus G, and we can put a bracket and say this is the thing that we can write. So ये क्या हो जाएगा, ये trade balance होगा जिसके अंदर हमारी income और spending बराबर है. But trade में deficit भी हो सकता है जब हमारी spending ज़्यादा है income से, so deficit भी हो सकता है. So deficit के case में दो policies लगती है, monetary policy और fiscal policy लगती है, उसका हम सिनारियो बाद में देखेंगे. फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि ओपन इकोनॉमी के अंदर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट जो है वो फॉरेनर को बेच दिया जाता है, और पार्ट की जो स्पेंडिंग होती है वो डोमेस्टिकली हो जाती है बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट. जो स्पेंडिंग है, पार्ट ऑफ स्पेंडिंग जो है वो डोमेस्टिक रेजिडेंट करते हैं, कुछ फॉरेनर्स को बेच दिया जाता है. सो जो हमारा फॉरेन का प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट, हमने इसको मॉडिफाइड हमारी IS कर्व इक्वेशन में लिख दिया. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग में होता है, नो लॉन्गर वो डिटरमिन नहीं करता कि डोमेस्टिक आउटपुट, इनफैक्ट जो स्पेंडिंग है डोमेस्टिक गुड्स की वो डिटरमिन होती है, वो सिर्फ डोमेस्टिक के आउटपुट से डिटरमिन नहीं होती कि डोमेस्टिक की स्पेंडिंग सिर्फ डोमेस्टिक का आउटपुट जितना होगा उससे होगी. नहीं, बाहर से हम कुछ इम्पोर्ट भी तो करवाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो यही चीज़ आई हैव टोल्ड यू कि जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग है डज नॉट डिपेंड ऑन द डोमेस्टिक आउटपुट. सो स्पेंडिंग जो डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर है वो सम होती है स्पेंडिंग किसकी, स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, स्पेंडिंग जो कि हमारी कंट्री द्वारा बनाए गए गुड्स हैं उसके ऊपर वो किसके बराबर होती है, स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट वो खर्चा करते हैं उसके ऊपर, प्लस
हमारा नेट एक्सपोर्ट्स और कई चीज़ें जो बाहर चली जाती हैं वो टोटल डोमेस्टिक स्पेंडिंग्स को डिटरमिन करती हैं। सिंस जो हमारी स्पेंडिंग है बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स वो जो है डिपेंड करती है उनकी इनकम क्या है, कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि वाई क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स भी हो गया। अब तो हमारी जो स्पेंडिंग है रेजिडेंट की वो डिपेंड करती है कि उसकी इनकम कितनी है, और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था आई माइनस बी आई। बी क्या है, बी आई, वेर बी इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट, ये हमने बी पहले पढ़ रखा है। सो मतलब ये बेसिकली एक आय और आय के बड़े इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगी, और अगर यही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कि मेरे को अगर मैं कहीं से पैसा ले रही हूँ मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दूंगी, अगर ये इंटरेस्ट रेट मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कम करूँगी। सो यही चीज़ है कि जो स्पेंडिंग है बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम, उनका उनके पास जेब में पैसा कितना है और इंटरेस्ट रेट। सो वाई इज बेसिकली ऑटोनोमस पैरामीटर्स के अंदर जो हमारा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी इनकम इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या लग रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, एंड हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं दैट डिपेंड्स ऑन इनकम जो कि डोमेस्टिक रेजिडेंट्स का है, इनकम जो कि फॉरेन रेजिडेंट्स की है, एंड द एक्सचेंज रेट जो कि रियल एक्सचेंज रेट है, जो कि हमने पहले पढ़ा है, इट डिपेंड्स ऑन द रियल एक्सचेंज रेट, डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज रेट टाइम्स प्राइस ऑफ हमारा फॉरेन डिवाइड बाय प्राइस ऑफ डोमेस्टिक। सो आई राइट द सेम थिंग। सो हमारा आईएस कर्व जो है वो हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में बताता है, और आईएस कर्व क्या होता है, हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। सो आई ड्रॉ दैट। बट अब मैं ये डिफरेंस बता रही हूँ कि एक ओपन इकोनॉमी का बना रही हूँ, एक क्लोज्ड इकोनॉमी का बना रही हूँ। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का कैसा होगा और ओपन इकोनॉमी का कैसा होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो एक मिनट क्या होता है। वैसे हमने पढ़ा है स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ आई सी क्या होता है, 1/α × b। अल्फा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने मल्टीप्लायर क्या पढ़ा था, 1/(1-c + ct + m), तो ये हमारा ओपन का हो जाएगा। क्लोज्ड में क्या होता था, 1/(1-c + ct), तो अगर m भी आ जाएगा तो ये जो टर्म है ये बढ़ेगी, तो ये पूरी कम हो जाएगी, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। मल्टीप्लायर कम होगा मतलब फ्लैटर होगा, किसका, क्लोज्ड इकोनॉमी का फ्लैटर होगा, ये ओपन की बात कर रहे हैं। ओपन का क्या होगा, फ्लैटर होगा, ओपन इकोनॉमी का फ्लैटर होगा। जब हमारी ओपन होगी इकोनॉमी तो इम्पोर्ट्स का भी एक टर्म आ जाता है ना नीचे, और यही यहाँ पे इम्पोर्ट्स है नहीं तो ये बढ़ जाएगा। तो इन दिस केस आईएस जो होगा ये क्लोज्ड इकोनॉमी का होगा। शिफ्ट की बात भी करेंगे बट बस आई विल जस्ट गिव द सिनॉप्सिस, आगे एग्जैजरेटेड वीडियो आई विल मेक अनदर वन। कि शिफ्ट जो है वो अगर नेट एक्सपोर्ट्स के जो हमने पैरामीटर्स देखे, शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व जो है वो अभी हमने ऊपर लिखे हैं कि वाई जो है वो क्या होता है, ऑटोनोमस, जो कि इनकम और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस हमारे नेट एक्सपोर्ट्स जो कि हमारी इनकम, डोमेस्टिक इनकम कितनी है, फॉरेन की इनकम कितनी है, प्लस हमारे क्या डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट टाइम्स जो हमारा प्राइस ऑफ फॉरेन डिवाइड बाई डोमेस्टिक होता है, डिपेंड्स ऑन दैट। सो शिफ्ट का अगर हम देखेंगे कि शिफ्ट क्यों हो रहा है, वो इनकम का देखेंगे, फॉरेन इनकम का देखेंगे और रियल एक्सचेंज रेट का देखेंगे। सो इन सब के साथ तो दिख ही रहा है, ये सारे जो ऊपर वाले टर्म्स हैं इनके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, इसके साथ ही सिर्फ नेगेटिव रिलेशन है। सो अगर ये सब बढ़ेंगे तो इसका शिफ्ट राइट वर्ड होगा, और अगर ये बढ़ेगा तो शिफ्ट लेफ्ट वर्ड होगा। सो यही है कि अगर वाई बढ़ेगा तो शिफ्ट जो आई एस का होगा दैट वुड बी राइट, अगर इसका भी होगा दिस टर्म तो ये भी शिफ्ट जो होगा दैट वुड बी राइट, और यही एक्सचेंज रेट का होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तब भी हमारा क्या होगा, शिफ्ट राइट। प्राइस अगर फॉरेन का बढ़ेगा तो वो भी शिफ्ट होगा राइट,
प्राइस अगर डोमेस्टिक में बढ़ गया तो शिफ्ट क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा, क्या होगा, लेफ्टवर्ड। सो या अब नेक्स्ट वीडियो में दैट आई विल बी कवरिंग वुड बी द रेपरकुशन इफेक्ट। रेपरकुशन इफेक्ट किन दो इफेक्ट्स की वजह से होता है वो हम पढ़ेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपको लगता है आपका बेनिफिट हो रहा है इन वीडियो से तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।